गई प्रभात न वापिस आती है और जीवन की अंधेरी रात गई रात न वापिस आती है। वास्तव में जिंदगी में चाहो तो तुम सोना बना लो जिंदगी को और चाहे तो सोने में गवा दो। एक होता है सोना बना लो, एक सोने में गवा दो। क्योंकि आदमी जीते जी भी सोता है, आँख खुली रह जाती है फिर भी क्या देखता है, जो देखने आया तब वो नहीं देखता है। बड़ी सुंदर कुंद कुंद स्वामी ने समय के लिए बात लिखी है, विवेक के लिए बात लिखी है। सम्माइटी कालम बोले वे रगणाण मावीणे मिच्छा इट्टी कालम बांचा दुब्बावले सिकले। कहते हैं ये पता लगा लेना तुम सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो। अभी आपने सुना कि आयु बढ़ती है जिसे आप समझते हैं, वास्तव में धन तो बढ़ता है लेकिन आयु घट जाती है। वर्ष गांठों के भरोसे उम्र मेरी कट गई, जो भी लाया था भरोसे, जो भी लाया था भरोसे वो यहाँ पर छट गई। कि वास्तव में जो भरोसे से आया था मैं उम्र लेकर, आप क्या सोचते हैं 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, जितनी उम्र बढ़ गई उतनी आपकी ज़िंदगी मौत के नज़दीक पहुँच गए। आप कहते हो वर्षगांठ है, मौत कहती है मेरे ठाठ हैं, तेरी वर्षगांठ नहीं है। लोग कहते हैं समय काट रहे हैं, हमने कही समय को तुम क्या काटोगे, समय तुम्हें रफ्तार से काटता है। तुम्हारी औकात इतनी है अखबार की तरह, तुम्हारी ज़िंदगी अखबार जैसी है। सुबह आता है तो अखबार चाय और नाश्ते की साथ पढ़ा जाता है, दिन में घड़ी करके रख दिया जाता है और शाम को रद्दी वाले को बेच दिया जाता है। फिर अखबार का क्या क्या किया जाता आप जानते हैं, कोई गंदगी पहुँच कर फेंक देता है, तो कोई जलेबी खा कर फेंक देता है, कोई पैरों के तले मसल देता है, तो कोई जूता साफ करके फेंक देता है। तुम्हारी ज़िंदगी की भी ऐसी कीमत है। रामायण में बड़ी अच्छी चौपाई आई है, बड़े भाग्य मानुष तनि पावा सुर नर पशु सभी तरे सहियावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तुमने जिंदगी में कितनी मेहनत से दौलत जोड़ी थी और दौलत को कह रहे थे कि मेरी है और दौलत कहती तू पागल इतनी मेहनत करके मुझे जोड़ रहे और तुझे छोड़कर जाना पड़ेगा, मैं ही पड़ी रहूँगी, मैं आज तक किसी की नहीं हुई। आप सबको पता है भरत चक्रवर्ती के कुछ मंत्रियों ने ऐसी बात कह दी थी बाहुबली से कि जाओ जाओ कहाँ जाओगे, तपस्या करोगे तो बाहुबली को कह दिया तपस्या भी करोगे कहाँ छोड़कर जाओगे दुनिया को। भरत चक्रवर्ती है खड़ा तो उसी की भूमि पर रहना पड़ेगा, आहार को आओगे तो कहाँ आओगे, भरत की भूमि पर ये आहार चर्या को आना पड़ेगा, उन्हीं के राज्य में आना पड़ेगा, जाकर दिखाओ कहाँ जाओगे। और कहते हैं आप सबको शल्य तो नहीं कह सकते हैं लेकिन इतनी सी बात भी, शल्य उसे कहते जो संकलेश बना दे, माया मिथ्या निदान ये शल्य हैं लेकिन बीत रागी मुनियों को शल्य नहीं होती है, मिथ्या दृष्टियों को शल्य होती है, लेकिन इतनी सी बात भी केवल ज्ञान में कारण बन गई। आप सबको पता है जब भगवान की वाणी में निकला कि भरत को कुछ विकल्प है, आपको पता है भरत ने पूछा बाहुबली को इतने दिन में केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ, तो केवल ज्ञान में वाणी में जर गया। लेकिन आप सोचना उन्हें कोई विकल्प नहीं था, वो तो निर्विकल्प खड़े थे, लेकिन इतनी सी बात जरा सी बात हो जाए तो आपको पता है जीवन में
परम परमात्मा पद नहीं पाने देती है, और आपके जीवन में भी जरा से बाल आ जाए, जरा सा बाल आ जाए, क्या होता है बच्चे, ये मेरा है ये तेरा, बच्चे कहीं से लाए थे तुम, बीच में मुसाफिर की तरह आए थे और अपने स्टेशन पर आने पर उतर जाएंगे, तुम हो डिब्बे में बैठे हो आगे चले जाओगे, बच्चे समय से तुम्हारे माध्यम से आए थे लेकिन उतर कर तुम्हें टाटा बाय बाय कर देंगे, तुम जाओ तुमने कमा कर सब छोड़ के जाओ। तो भरत चक्रवर्ती ने भी जब निवेदन किया, जा वसुधा काहू की ना भई, ये पृथ्वी किसी की नहीं हुई, और कहते केवल ज्ञान हो गया। आप अंदाज लगाना, भरत को जब तीन समाचार एक साथ मिले थे, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, और कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आप सच बताना, तो आपको यदि तीनों बातें एक साथ मिल जाएं कि माताजी के प्रवचन होना है और घर में 5 लाख का ग्राहक आया है, और दूसरी बात घर में बेटा पैदा हुआ, सच बताना तुम कहाँ जाओगे? तुम सबसे पहले कहाँ जाओगे? ये कह रही पैसा इकट्ठा करने जाएंगे, और ये लोग कह रहे बच्चा को देखने जाएंगे। हाँ ध्यान रखना, तुम अर्थ पुरुषार्थ का समर्थन करने जाओगे, काम पुरुषार्थ का समर्पण करने जाओगे, समर्थन करने जाओगे, लेकिन वो भरत चक्रवर्ती जो विशिष्ट ज्ञानी थे, वो क्या धर्म पुरुषार्थ का समर्थन करने गए थे, क्योंकि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समा। अब तुम अंदाज लगाओ कि तुम धर्मात्मा हो कि कर्मात्मा हो। मैं कहती हूँ कर्म भी अच्छे से कर लिए जाएं, कर्म भी सद्बुद्धि से कर लिए जाएं, तो कर्म भी धर्म बन जाते हैं, क्योंकि विवेक होना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम क्या करें माता जी, हमारे पास भक्ति नहीं है। हमने कही वक्त इतना है कि तुम्हें परमात्मा बना सकता है भक्त, लेकिन तुम वक्त किस में गंवा रहे हो? कभी विचार करके देखना, भी कथाओं में वक्त गंवा रहे हो, जिस चीज की मनाही की थी, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन कथा, इन 4 कथाओं के अलावा कुछ कथा होती है हमारे पास? कौन के घर क्या आया, कौन कैसी है, क्या है, हम इतना अनमोल समय इसमें गंवाते हैं। पहले तुम अपनी जवान गंदी करते हो, फिर अपने कान गंदे करते हो, रोज पढ़ते हो पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया, बमन किया फिर भी बमन करते हो, एक दिन उल्टी हो जाए तो डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो, और यहाँ रोज उल्टियाँ कर रहे हो, उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या करते हो? किसी की निंदा चुगली बुराई पहले कानों के द्वारा अंदर डालते हो, फिर मुख के द्वारा बाहर निकालते हो। अरे वाणी की कदर करना, तो तुम्हारी वाणी जिनवाणी बन जाएगी, क्योंकि एक होती है जिनवाणी, एक होती है मनवाणी, और एक होती है जनवाणी। तुम यदि धर्मात्मा हो तो तुम्हारे हाथ में सुबह सुबह श्री जी की मूर्ति आ जाएगी हाथ में। और यदि तुम क्योंकि यदि तुम वैरागी हो तो मूर्ति आएगी हाथों में, कल से आएंगे, और यदि रागी हो तो पत्नी का चेहरा दिखेगा, और ज़्यादा धनाकांक्षी हो तो क्या दिखेगा, सुबह सुबह मिस कॉल दिखेगी, किस किस की मिस कॉल आई है। यदि तुम्हें स्त्री से प्यार है तो तुम्हारी गति सुधरने वाली नहीं है, लेकिन तुम्हें श्री जी से प्यार है तो तुम्हारी गति नियम से सुधरे। तो हमें ध्यान रखना है, मैं ये मना नहीं करती हूँ कि स्त्री के साथ मत रहो, स्त्री के साथ भी सिर्फ एक ये व्यवस्था हमारे भारत में है,
कि भारत की पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। एक नहीं दो दो कुल को तार देती है, बेटा से बेटी भली जो कुल बनती होए, नाम कमावे माई बाप को देसी बड़ाई हो। एक व्यक्ति से हमने कहा कि मंदिर आया करो, बोला नहीं नहीं माता जी मंदिर का टाइम नहीं मिलता है, हमने तो इनका पल्लू पकड़ रखा है, ये धर्म करती हम तो इनका पल्लू पकड़ के चले जाएंगे ऊपर। हमने कहा लल्लू यहाँ पल्लू पकड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदा होगी। राजकुमारी की, एक राजकुमारी की शादी हुई, उसे ऊँट की सवारी का शौक था, एक ऊँट था उस पर सवारी करती थी। उसने पिताजी से कहा पिताजी आप मुझे दहेज में हाथी घोड़े रथ पयादे नौकर चाकर बहुत दोगे, लेकिन ये ऊँट भी देना। तो पिताजी ने कहा बेटा ऊँट की अच्छी चाल नहीं होती, उसे शुभ नहीं माना जाता, उसे कैसे दूंगा। लेकिन वो कहने लगी पिताजी ऊँट जरूर देना। तो मंत्रियों से विचारणा की गई कि ऊँट कैसे देंगे, लोग कहने लगे कि आप वो बेटी की जब जिद है कि ऊँट देना तो दे देना। बोले कैसे देंगे, कोई क्या कहेगा, ऊँट भी दिया। कहने लगे ऊँट आप दहेज के सामान के साथ मत रखना, लेकिन जो नौकर चाकर दोगे। आपको पता है अभी हम खेड़ली गांव में गए थे, खेड़ली रोपा पारोली बागुदार भरनी राजेश राजेश कोटा, ये सब छोटे छोटे गांव हैं, 20 घर की समाज है, 10 घर की समाज थी और 10 चौके लगते थे। एक तो इतनी गरीब समाज थी कि मुझे तरस आता था। मैंने उनसे कहा कि आप मत लगाओ ना इतने चौके, 6 घर हैं 6 चौके लगाते हो, क्यों लगाते हो। तो क्योंकि मुझे पता था वो लोग साइकिल पर अल्मोनियम के बर्तन रख के बेचते हैं, कोई चूड़ी रख कर बेचता है, और उस गांव में कौन लेता है चूड़ी, बिल्कुल देहात है, मैंने पुराने घर है, सिलेटों के पहाड़ है वहाँ बस, तो कुछ काम नहीं है लोगों पे ज़्यादा। तो मैंने यहाँ ठहरी तो मैंने कही तुम लोग मत लगाओ इतने चौके। तो कहने लगी हमने कि आप लोगों के यहाँ इतना थोड़ी ना कुछ है। तो कितनी अच्छी बात उसने कही, मेरे दिल को छू गई। उसने कहा आप क्यों सोचती हो कि हम गरीब हैं। वो मेरी बातों से समझ गई, वो कहने लगी आप क्यों सोचती हो कि हम गरीब हैं। हमने कहा फिर भी भाभी लगता है तो कहने लगी आप ऐसा क्या लेती हो, हम घर में भी तो खाते हैं, आप जैसे साधु तो कभी कभी हमारे गांव में आते हैं, वरना छोटे गांव में बड़े साधु कहाँ आते हैं। लेकिन तब मुझे लगा जब उन्होंने कहा कि हमने कभी विधान नहीं कराया आज तक, क्योंकि विधान कराएंगे तो 20,000 का खर्चा हो जाएगा, आप करा देंगे। हमने कि हम करा देंगे। कहने लगे हम लोग सिकरजी यात्रा पे गए थे एक बार, लेकिन आज तक विधान नहीं कराया। मैंने कि मैं विधान करा दूँगी, हमारे पास अभी तो नहीं, नहीं तो परमानेंट म्यूजिक वाले पूरे रहते हैं। मैंने वहाँ विधान कराया, लेकिन वहाँ राजगढ़ किला बोलते ना, वहाँ किला था, किले की जो कहना चाहिए रजवाड़े की बहू पुत्र वधू थी वो आई, और लोगों ने कहा माता जी हमने ने पहली बार बाहर देखा है, क्योंकि अब तो गाड़ियाँ हो गई, पहले पालकी थी तो इनकी सास आदि पालकी में बैठ के ही किले के बाहर निकलती थी। और वास्तव में उस लेडीज की कम से कम 6 फुट से ज़्यादा होगी, वो राजघराने की राजपूतनी थी, और बहुत सोना तो उनने बहुत पहन रखा था, लेकिन आप सोचिए उनको चेहरे के तो चेहरा एक उंगली भी उनकी नहीं दिख रही थी, मैंने वो जैसे चुन्नी ओढ़ के आई और उनका लहंगा आंगत। बाद में उन्होंने हमसे बहुत निवेदन किया कि आपको हम कुछ भेंट करना चाहते हैं। हमने कि हमें कुछ भेंट नहीं चाहिए, आपके किले की तरफ से जो फर्श आदि भिजवा देना। फिर वैसे ही बात चली तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग, आप इतने बड़े किले में आप रहती हैं। तो कहने लगी नहीं मेरी 100 नौकरानी रहती हैं। तुमने कि क्या करती हो 100 नौकरानी की। तो कहने लगी कि हमें 150 नौकरानी मिली थी दहेज में, 150 नौकरानी मिली थी दहेज में, लेकिन हमने 50 नौकरानी अपनी ननद को दहेज में दे दी।
बोली 100 दी थी तो 50 अपने घर की दे दी, 50 अपने पीहर की दे दी। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, हमने कि क्या करती हैं तुम्हारे यहाँ की इतनी सारी नौकरानियाँ। तो उसने जो बात कही वो दिल को छू गई। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ के जैसे 100 नौकर थे ना, तो बोली मेरी शादी के टाइम में 100 नौकरानी की हमारे यहाँ की नौकरों के साथ शादी हो गई। उन्हें हमारा खान पान रहन सहन सब कुछ पता है, तो हमें पीहर जैसी सुविधाएं यहाँ भी मिलती हैं। फिर मैंने कहा तुम तो अपनी बेटी को बाहर पढ़ा रही हो। कहने लगी नहीं, हम करेंगे अपने राजपूतों में ही शादी, और अभी भी हम उसके 50 नौकरानियाँ तो देंगे। आप सोचना हमारे यहाँ कितना बड़ा लॉजिक था। लेकिन आपको बता दूं कि उस गांव में उन्होंने विधान किया बहुत अच्छे से, क्योंकि कभी होता नहीं है। तो 25-30 गांव के लोग आए, और आप विचार कर सकते हैं ये जीने का तरीका है उस गांव में। एक खजूरी में भी विधान किया था। खजूरी में 10 घर थे और 10 चौके लगते थे, और फिर भी 10 घर के लोग 10 घर में, कोई भी घर में खाना नहीं खाता था। जब तक हम कोई 15-20 दिन रहे, 20 दिन के करीब रहे, तो उनके खाना एक जगह बनता था। हमने एक दिन बोले, हमने कि तुम लोग 10 चौके लगाते हो, हम 4 माता जी हैं, तुम्हारे 6 चौके खाली जाते हैं, आप लोग क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि माता जी हम लोग मिल के खाते हैं। हमने कि मिल के कैसे खाते हो, घर में भी तो तुम्हारे खाना बनाती हो। बोली हम बस इतना ही बनाते कि हमारा घर शुद्ध हो जाए, घर में साधु के चरण पड़ जाए, मेरा घर मंदिर हो जाए। क्योंकि आचार्यों ने कहा है जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते वो शमशान घाट है। ध्यान रखना, आप लोगों की बहुत अच्छी भावना रहती है कि यहीं पर लगा लो, एक जगह लगा लो, लेकिन आपका घर धन्य कब होगा? तुम कब धर्मात्मा बन पाओगे? जब अपने घर पर द्वारापेक्षण की बात आई। और सबसे बड़ी बात, हम लोग भी उधर, क्योंकि अच्छा मौसम होता था, लेकिन जो बताए कि उस गांव में बहुत, एक गांव तो बहुत गरीब ही था। आप कभी चमलेश्वर गए हो? चमलेश्वर के बाद वो गांव पड़ता था जिसको बताया कि 6 घर थे वहाँ पर, वो लोग बहुत, खजूरी में तो अच्छे लोग थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन दोनों जगह आप बताइए, वो कहते थे कि हमको पैसे थोड़ी लगते खाना बनाने में, हम लोग औरतें खाना बनाती हैं, कुछ लोग जो चौके में नहीं जाते हैं वो हम यहाँ पर दाल बाटी बनाते हैं धर्मशाला में, और हम सब मिलकर यहाँ खाना बना लेते हैं। जब तक चौके में आपका आहार होता है, फिर सब चौके से जो भी दाल बची, चावल बचा, फ्रूट कुछ थोड़ा बहुत जो भी रहा, इतने ऐसे चौके नहीं लगते जो फल इतने सारे, बेचारे गांव के लोग कहाँ से लाएंगे। लेकिन भोजन ऐसा बनता है कि आप तृप्त हो जाओ, घर का शुद्ध सात्विक भोजन। तो मैंने कहा फिर भी भाभी, तो कहने लगी नहीं, मेरा पति दिन भर में 100 रुपये तो कमा लेता है। ध्यान रखना, अब दिल पर बात समझना कि ये सार्थक जिंदगी है। उन्होंने कहा 100 रुपये तो कमा लेते हैं वो, आप हमको गरीब क्यों समझते हो? हमने कहा फिर भी भाभी क्या होता है 100 रुपये में? तो वो बोली कि नहीं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे यहाँ गाय है तो हमारे यहाँ ईंधन फ्री है। समझना उनकी सोच। उन्होंने कहा गाय है तो ईंधन फ्री है, गाय है तो घी फ्री है हमारे यहाँ, और हम थोड़ा बहुत गेहूँ इतना मंगा लेते हैं साल में, और थोड़ी सी खेती है तो उसमें से भी आ जाता है, हम गरीब नहीं हैं। आप ध्यान रखना कि मन अच्छा हो तो गरीब नहीं कहलाते। बाद में वो लोग हमसे कहने लगे कि माता जी कुछ, हमने कहा नहीं, हमें आपके यहाँ विधान हुआ है, आपके यहाँ जो भी कुछ बचा है आप अपनी धर्मशाला में लगा दीजिए। क्योंकि छोटी सी धर्मशाला थी, कभी साल में 10-20 हज़ार रुपया जुड़ पाता है, कोई उछाव जरूर करते हैं। ऐसे ही कितने गांव पड़े, चांदसेन में 2 घर थे, वो हमें बुलाने आते थे, हम कहते थे आपके यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी हालत देख के मुझे लगता था कि बहुत परेशान हो जाएंगे मुझे बुलाएंगे। जब मुझे बुलाने आए तो बैंड भी भीलवाड़ा से बुला रखा था, 70 आदमी का, तो बैंड में 70 आदमी थे। आप सोच सकते हैं दिल इसे कहते हैं। हमने उनसे कहा, हमने कि तुमने क्यों बुला रखा? तो कहने लगे कि नहीं, आप लोग साधु तो कभी कभी आते हो। मैंने कहा तुम लोग 2 घर हो
और वो भी धंधा तो है नहीं तुम्हारे पास ज़्यादा। तो कहने लगे हमारे लोग जो बाहर रहते हैं ना, हम जब भी आप लोगों को बुलाते हैं तो वो लोग आते हैं हमारे गांव में और बढ़िया सहयोग देते हैं, ध्यान रखना। ये है सिर्फ पत्थरों के मंदिर नहीं बना लेना, दिल के भी मंदिर बनाना, दिल को भी बड़ा बनाना, क्योंकि परमात्मा इन मंदिरों में नहीं आता है, परमात्मा दिलों के मंदिरों में आता है। और एक नहीं ऐसे कई गांव हैं, इटरिया गांव है, तो वो लोग हमें बुलाने आते थे चापानेरी में, हम उनको मना कर देते थे। लेकिन एक दिन चापानेरी बहुत अच्छी जगह है, आप लोग कहते चमत्कार नहीं होते, मेरी जगह देखने के लिए वो लोग गए थे गुलाबपुरा के भैया लोग, और वहाँ पर बहुत सुंदर वेदी है, तीन वेदियाँ हैं। तो एक व्यक्ति गंधोदक के लिए आए, जैसे आप कहीं से आए और बोले कौन व्यक्ति है, एक व्यक्ति वहीं के भागचंद भाई साहब वहीं के अभिषेक करते थे, एक बाहर से जो जगह देखने गए थे वो गए, और वो दोनों अभिषेक कर रहे थे। एक आदमी रोज ही आता था वो गंधोदक लेने, 8 दिन से वो गंधोदक लेने के लिए आया। तो गुलाबपुरा वालों ने पूछा कि ये कौन है, उसने कहा कि अभी पूछ के बताते हैं, 8 दिन से आ रहा है। जैसे ही उनने बोला बाहर पूछ के बताऊँगा, अभी पूछ के बताऊँगा, इतने में तो सोचो वो कहते माता जी मैंने सिर्फ इतना कहा था बाहर पूछ के बताऊँगा कि अभी पूछ के बताऊँगा। बोले इतने देर में तो वो वहाँ दिखा, आप समझ गए, सामने बाहर गेट के बाहर। बोले वो चल के नहीं गया, यहाँ खड़ा था वहाँ दिखा। अब आप सोचो ऐसा होगा तो फिर आपको प्रक्षाल में मन लगेगा क्या, यदि कोई यहाँ खड़ा हो और आपको वहाँ दिख जाए चल के नहीं जाए तो कितनी दहशत बढ़ जाएगी। वो कहने लगे हमने उसे छोड़कर, प्रतिमाओं का प्रक्षाल छोड़कर हम भागे उसके पीछे। लेकिन छोटा सा गांव था, फिर भी पूरे गांव में चापानेरी में वो व्यक्ति नहीं मिला। कहने लगे पीली धोती पहने था और सफ़ेद कुर्ता पहने था, लेकिन वो फिर मिला नहीं। तो आप लोगों को क्यों बताया ये सब कि उस गांव में हम गए तो एक घर था, उनने मिट्टी की हवेली में हमें रोका था, क्योंकि उनका एक ही मकान है, बरामदेदार मकान है, उस बरामदों में कमरे हैं, बीच में आंगन है। हमने तो सोच के ये गए थे कि एक दिन को ले जा रहे तो चलो निकलना है, निकल जाएंगे इनके। अब जैसे ही शाम की भक्ति हुई तो कम से कम बाहर गांव के उनने 100 लोग बुला रखे थे, अपने गांव के अजैन पूरे बुला रखे थे, 500-600 आदमी होगा, सबको खाना कर रखा था। वहाँ तक मुझे ठीक लगा कि चलो इनका मन था, इन पे था पैसा, खाना कर दिया अकेले बंदे ने। लेकिन जब उनने पर्चे बांटे तो मैं उन पर बहुत गुस्सा हुई, महावीर जी नाम उनका, मैंने कि पागल हो तुम, पूछना नहीं चाहिए हमसे, तुमने 5 दिन का कार्यक्रम क्या रखा है, कवि सम्मेलन, 2 दिन का विधान और रथ यात्रा और ये सब कार्यक्रम। हमने उसको डांट के कहा, हमने कि तुम्हारे 4 लड़के 2 बाहर रहते 2 यहाँ रहते किसको बुलाओगे। कहने लगे माता जी कदे कदे थारी जैसी माता जी हमारे गाँव में आवे, कभी कभी आप जैसे साधु आते हो, और आपको पता होगा मुझे ताज, उनने मंदिर ही बना रखा छोटा सा मंदिर उनका अपनी तरफ से बना रखा, और रोज कम से कम 400 से 500 आदमी आया कार्यक्रम में। उन्होंने रथ यात्रा ऐसी निकाली कि शायद 10,000 घर की समाज नहीं निकाल सकती है, पूरे गांव में 7 बैंड बुलवाए उन्होंने, और इतना जोरदार कार्यक्रम रखा। और आपको पता होगा जब वहाँ से हम चमलेसर गए तो 1 महीना चौका लगाया, वो घर के कमरे के बाहर ही बैठे रहते थे, मारी माता जी मारी माता जी मारी माता जी। हम उनसे बोलते थे इतनी माला तुम भगवान की फेरो तो तुम मोक्ष चले जाओ। तो कहते थे माता जी कभी कभी आप लोगों से ऐसा जुड़ने का मौका मिलता है। एक दिन हमने उनसे बोला कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुमने इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों रखा। तो कहने लगे माता जी अजैन का तो घड़ा बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो गए, मारा जैन का भी तो कोई समझे कि मारा साधु आवे तो कदे ही कदे मैं भी कार्यक्रम करांगा। माने कभी कभी साधु आते हैं तो हम भी बड़े कार्यक्रम करेंगे। और सच्चाई यही है, पत्थरों के मकान तो मंदिर यहीं खड़े रह जाएंगे, तुम्हारी जो जन प्रभावना होगी वो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी याद रहेगी।
तो आप सब बहुत अच्छी बात है, 10 लक्षणों में अपने अपने मंदिरों में पूजा करते हैं, लेकिन इस बार सोचना है कि साधु की संगति में भी पूजन भी। और सबसे बड़ी बात है, यदि पुरुष वर्ग भी चाहेगा और महिलाएं चाहेंगी, क्योंकि आज मैंने सिर्फ आपको प्रेरणा ये दी है, घर छोटा हो बड़ा हो नियम लेकर जाना, ये मत कहना इतनी सी जगह थी तो काय को लगाया चौका, ये बिल्कुल मत बोलना, भूल से मत बोलना। तीव्र अंतराय का बंद होता है कि यदि आपने किसी के घर पर मात्र दाल रोटी बनी हो तो भी ये मत कहना क्यों ये चीज जूस नहीं बनाया, कभी भूल से मत कहना। आचार्य तो कहते हैं तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं हो तो उबले, आपको पता है कोदो के दाने उड़द भी दे दिए थे महावीर स्वामी को, तो 56 प्रकार के व्यंजनों का स्वाद आ गया था। आप रिद्धियों में पढ़ते हैं कि मुनियों को ऐसी ऐसी रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं कि यदि जहर भी हो तो अमृत हो जाए, पानी भी हो तो घी का स्वाद आ जाए। दिल से जो हो, घर छोटा हो या बड़ा हो, दिल बड़ा होना चाहिए। और कभी भी मैं तो कहती हूँ विकृतियाँ समाप्त करो जीवन के। बोले इतने जूस तो लेती हैं माता जी, जरूर रखना। नहीं, बिल्कुल मत रखना, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ साधुओं के लिए कैसा कहा, गरिष्ठ भोजन नहीं देना, तला हुआ नहीं देना ज़्यादा, क्योंकि उनकी सामायिक बिगड़ जाएगी। लेकिन अपने भावों से बना हुआ शुद्ध भोजन जरूर देना। और ये मत सोचना कि अपनी व्यवस्था समाज की है, समाज क्या करेगी, अपनी अवस्था सुधारना है तो अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाओ। राजा श्रेणी को इसलिए कैद में मरना पड़ा, शाम को सुनाने वाली थी अभी बताती हूँ, राजा श्रेणी को सिर्फ इसलिए कैद पर मरना पड़ा कि उनका जो मित्र मंत्री का बेटा था, ये राजा के बेटे थे और उसने दीक्षा ले ली थी। इनने तो प्रेम बस कहा था कि मेरे घर चलो, उनने कहा था साधु ऐसे नहीं जाता, उन्होंने कहा द्वारा प्रेक्षण लोगों ने समझाया तुम भोजन आहार कराओगे तो आएंगे, उनने सिर्फ प्रेम बस कहा था कि कोई और चौका मत लगाना, मेरा ही चौका मेरे घर में आ रहो, इसलिए कि और किसी के घर चले गए तो। और पहली बार मासों बस शिव मुनिराज थे, एक महीने बाद एक दिन को उठते थे, पहली बार आए तो राजा कोई दूत से बात करने व्यस्त हो गया, नहीं पड़गा पाया, मुनिराज लौट गए। दूसरे महीने आए तो आग लग गई तो मुनिराज अंतराय करके लौट गए। तीसरी बार आए तो हाथी विचल गया, लेकिन तीसरे महीने बाद जब लौट रहे थे तो लोगों ने ये कह दिया कि राजा बड़ा दुष्ट है, ना तो खुद देता है ना दूसरों को देने देता है, इतना सा विकल्प आया और गए तो देव में, क्योंकि विकल्प आया था संकलेश नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इतना तो विकल्प आ गया कि पहले भी मुझे मंत्री का बेटा मैं था तब भी मुझे नीचा दिखाता था, अब भी ऐसी भावना रखता है, देव में तो गए। लेकिन आप सबको पता आके वो मुनिराज कुणिक हुए जिन्होंने अंतराय डाला था, अच्छे भाव थे उनके इसलिए राजा श्रेणिक हुए, लेकिन बेटे के द्वारा आखिरी टाइम में यातनाओं पूर्वक, और जिस दिन बेटा बचाने जा रहा था लेकिन छेडाला में कहा है अति संकलेश भावते मरो घोर शुभ्र सागर में पड़ो, नरक में जाना था इसलिए बेटा उस दिन बचाने जा रहा था, लेकिन बाप के मन में आया रोज तो पीटता ही था आज ना जाने क्या हाल करेगा, और घबरा के खड़े हुए और कील चुभी और मर गए। आप लोग भी इन सब बातों पर ध्यान रखना कि हमारे जीवन में किसी का तिरस्कार, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी से कलह, किसी से ईर्ष्या भूल के नहीं करना। ये अकेले मुट्ठी भर चावल तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे, लोटा भर पानी तुम्हें कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन जीवन में जो सरल सहज दया परोपकार के लिए अच्छाइयाँ दिल में रखी होंगी
वो तुम्हारे जीवन में नहीं, तुम्हारे जीवन को महाजीवन बना देंगी। हमारा जीवन व्यर्थ है लेकिन इसमें अर्थ उपलब्ध हमें करना है। जैसे कि आपको पता है टीवी तो है, टीवी को ऑन आपको करना पड़ेगा, और कौन सी स्टेशन लगाना, क्या देखना। आज तो गाड़ी से लेकर पेस्ट भी बिकता है, तो क्या औरत खड़ी होती है? तुम पेस्ट नहीं खरीदते हो, उस औरत को दिमाग में खरीद लाते हो। गाड़ी नहीं खरीदते हो, गाड़ी के पास एक सुंदर जो स्त्री का एड होता है उसे तुम खरीद लाते हो। समझ गए, आप इन्हें खरीद लाते हो। एक बार प्रणाम के द्वारा परमात्मा को भी ले लो, देव सास गुरु के साथ दे दो, तो तुम वास्तव में सम्यक दृष्टि हो जाओगे। तुम्हारा जीवन यदि ज्ञान वैराग और सेवा में चला जाएगा तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और कहते हैं अर्थ में नहीं परमार्थ में जाएं, पदों में नहीं परम पद को पाएं, और जीवन को नहीं जीवन को महाजीवन बनाएं, और मृत्यु को निर्वाण बनाएं। इन्हीं सुभावनाओं के साथ आप सबका जीवन महाजीवन बने, मेरा यही शुभ आशीर्वाद।